हजारीबाग मुफस्सिल थाने की पुलिस को 154 केजी गांजे को पकड़ने में सफलता मिली है। मुफस्सिल थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर रांची बरही रोड पर नाकेबंदी लगाई गई थी, लेकिन एक वाहन काफी तीव्र गति में पुलिस को चकमा देते हुए आगे निकल गई। जब उसका पीछा किया गया तो वह आगे जाकर अपनी वाहन को छोड़ चालक भाग खड़ा हुआ, जिसके कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। प्रेस वार्ता कर डीएसपी ने यह भी बताया कि गाड़ी में ढांचागत परिवर्तन करके कई पैकेट गांजे का अलग अलग बनाकर रखा गया था, जिसमें 5 केजी, 1 केजी और 0.5 केजी के पैकेट शामिल थे। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है और कोशिश की जा रही है कि इसके संदर्भ में और अधिक जानकारियां मिल सके। हालांकि वाहन में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, लेकिन चेचिस नंबर के द्वारा छानबीन जारी है, जिससे कि गाड़ी मालिक का पता लगाया जा सके और अपराधियों तक पहुंचा जा सके। दिनांक 24/6/2021 को गुप्त सूचना पर एक टीम गठित की गई, जिसमें रांची तरफ की रोड से बरही तरफ जाने वाले रास्ते में एक योद्धा वैन जो टाटा का है, बिना नंबर का, जाते हुए दिखा। और वो चूँकि वो बहुत तेज़ी में था और बहुत स्पीड के साथ निकला, जिसके कारण से वो गाड़ी का जो चालक है भागने में सफल रहा और ये गाड़ी जहाँ खड़ी थी उसको पकड़ करके थाना ला गया। तदुपरांत इसमें जो गाड़ी में ढांचागत परिवर्तन करके जिसमें सामान रखे जाते हैं जस्ट उसके नीचे, उसमें विशेष प्रकार का ढांचागत परिवर्तन है, जैसा कि आप गाड़ी में आप देख पा रहे होंगे, उसके नीचे ये सभी पैकेट बने हुए थे। 28 बड़े पैकेट हैं गांजा के, जिसमें लगभग 5-5 केजी करके रखा गया है, और 15 छोटे पैकेट, जिसमें किसी में 1 केजी है, किसी में 0.5 केजी है। कुल इस प्रकार से 154 केजी लगभग गांजा की बरामदगी हुई। क्योंकि चालक भागने में सफल रहा, किसी व्यक्ति से जब तक कि इस संबंध में गहराई से पूछताछ नहीं होगी, किसी की संबंध में कहना कि कहां से आ रहा था, कहां जाना, मतलब इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं। वी टाइम न्यूज़ के लिए हजारीबाग से दीपक कुमार की रिपोर्ट।